हेलो एवरीवन, MCSIR नेट केमिस्ट्री का 90 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है 90। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स के बारे में जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके बारे में हमें बताना है। हमें ये चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमारे पास ये चारों इसके आंसर्स हैं। इसमें हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। देखो, ये हमारी क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कर रही है, द ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द यूरोपियम एट ए रूम टेम्परेचर इज हायर देन दैट ऑफ कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इसमें क्या कह रहे हैं, जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है वो क्या होता है, हायर होता है कैलकुलेटेड के कंपेरिजन में। ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट का इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रूम टेम्परेचर पे। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ए स्टेटमेंट, ये क्या है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ये देखिए, ये क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, लेंथेनाइड ऑक्साइड्स आर प्रीडोमिनेंटली एसिडिक इन नेचर। ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लेंथेनाइड ऑक्साइड आर जनरली बेसिक, ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। लेंथेनाइड कैन फॉर्म हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जो बी स्टेटमेंट है, ये क्या है, कि फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो, ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट थर्ड है। स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रही है, द स्टेबिलिटी ऑफ समेरियम इज ड्यू टू इट्स हाफ फिल्ड सबसेल। ये क्या कह रहे हैं, जो समेरियम की स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से, हाफ फिल्ड सबसेल की वजह से है। ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि द स्टेबिलिटी ऑफ समेरियम इज प्रीमियमली ड्यू टू द इट्स F6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ये इसमें हाफ फिल्ड नहीं होता, इसमें F ऑर्बिट F सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये हमारे पास क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहे हैं, लेंथेनाइड आयन कैन बी सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्या कह रहे हैं, लेंथेनाइड आयन को सेपरेट किया जा सकता है एक्सचेंज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। ये क्या है कि टू स्टेटमेंट है, लेंथेनाइड आयन कैन इंडीड बी सेपरेटेड यूजिंग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन देयर आयनिक रेडियाई एंड चार्ज डेंसिटी। मतलब उनकी आयनिक रेडियाई और चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जाता है क्रोमेटोग्राफी मेथड के द्वारा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो ए स्टेटमेंट है और जो डी स्टेटमेंट है, ये क्या है, राइट है, करेक्ट है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, आंसर 1A and D हमारा सही आंसर है। एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।